नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज गए हैं, वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। देखिए, राजकोट में अग्निकांड और कौन इसका जिम्मेदार है। शनिवार को शाम करीब शाम को गुजरात के राजकोट में एक बड़ा हादसा हो गया और जिसने देश को हिलाकर रख दिया। एक गेमिंग में आग के तांडव ने, एक गेमिंग जोन में आग लगी और इस आग के तांडव ने कई घरों को वहां पर बर्बाद कर दिया। कई चिराग बुझ गए, कई लोग मौत के आगोश में समा गए। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए आप। गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कल शाम को करीब 4:30 बजे राजकोट में एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बना। आग इतनी भीषण थी कि 5 किलोमीटर तक धुएं का काला गुबार वहां पर देखा गया। इस हादसे में अब तक 27 शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर प्रशासन पहुंचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को बचाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, यह अपडेट है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन वहां अभी भी चल रहा है। तो राजकोट में गेमिंग जोन में अग्निकांड हुआ, 27 लोगों के शव वहां से अभी तक निकाले जा चुके हैं। टीआरपी गेमिंग जोन में यह आग लगी। कल शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। अभी जानकारी यह है कि आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां पर जारी है। इस पूरे ही मामले की जांच की जाएगी। आग किस वजह से लगी, क्या वजह इसके पीछे, क्या कारण रहे हैं, इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आपको इस पर दिखाते हैं। गुजरात के राजकोट में शाम 5 बजे दुखद घटना बनी है। अचानक आग लगी और आग के बाद अभी बचाव कामगिरी, राहत और बचाव कामगिरी फायर विभाग है उसके तरह से चालू है। यहाँ पे वेकेशन का जो समय है, छुट्टियों का जो समय है, तब सबसे ज्यादा बच्चे और जो युवा है यहाँ पे गेम खेलने के लिए आते थे, अचानक आग लगी। महानगर पालिका के जो अधिकारी है, महानगर पालिका के जो यहाँ पे जो शासक है, वो यहाँ पे आ गए हैं। हम स्टैंडिंग चेयरमैन से बात करेंगे। स्टैंडिंग चेयरमैन जयमीन ठाकर हमारे साथ है। जयमीन भाई, क्या पूरी वारदात क्या हुई? गेम जोन में आग लगी है और अभी मालूम पड़ा है कि उन्होंने एनओसी नहीं लिया था, फायर एनओसी नहीं लिया था। सब जांच होगी और जितनी भी कड़क में कड़क सजा हम लोग उसको देंगे, क्योंकि ये बच्चे का सवाल है। जितने बच सके उसको बचा रहे, और फायर ब्रिगेड की हमारी टीम राहत कामगिरी में लग गई है। इस हिसाब से मैं आपको खातरी देता हूँ कि जो कोई भी लोग है इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक ऐसी घटना नहीं देखी है। जो भी हुआ है बहुत बहुत दुखद हुआ है और राजकोट के इतिहास में ये पहली बार बना। पूरी जांच करेंगे और जो जिन लोगों उसमें जिम्मेदार है उनको कड़क में कड़क सजा दी जाएगी। यहाँ पे जो फायर के जो ऑफिसर है हमारे साथ है, हम उससे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे सर, क्या पूरी घटना हुई है, अब तक कितनी जान हानि? और वहाँ पूरा एक्सटिंग्विश करके अभी जो आगे वाला जो भाग है पूरा कोलैप्स है, वहीं पे हम 3 जेसीबी और हमारे 3 जो 4 गाड़ी फायर फाइटर है वो और पूरे जवान वहाँ सर्च करके आग बुझाते अंदर का सर्च का कामगिरी कर रहे थे। जो जेसीबी मशीन पे लगाए हुए है और पूरी घटना में जो भी कसूरवार है उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन शुभ आशियानी के साथ पराक्रम सिंह जडेजा, एबीपी न्यूज राजकोट। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। हर्ष सांघवी ने मौके का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, परिवारों को जल्द ही न्याय दिलाया जाएगा, हर्ष सांघवी ने ये कहा, और विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। एसआईटी ने जांच अपनी शुरू कर दी है। एक 5 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया गया है जो इस पूरे ही हादसे की जांच करेगी, और ये जानकारी खुद हर्ष सांघवी भी दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, राजकोट अग्निकांड पर एक और जानकारी है। टीआरपी गेमिंग जोन में पहुंची है एसआईटी की टीम। इस वक्त एसआईटी की टीम ने घटना स्थल से सैंपल लिए हैं। चीफ सुभाष त्रिवेदी ने कहा है, जो एसआईटी के चीफ है, तह तक जाकर घटना की जांच करेंगे और कौन जिम्मेदार है इसका पता हम लगाएंगे कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। 27 लोगों की जान जो गई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार, कौन कसूरवार है, इसके बारे में पता लगाया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। ये बहुत कम नसीब और बहुत दुखद घटना हुई है। उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी।
किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। तो टीआरपी गेमिंग जोन में जो अग्निकांड हुआ है, जानकारी अभी ये है कि वहां पर एसआईटी की टीम पहुंची हुई है। हादसा जब वहां पर हुआ उसके बाद की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेमिंग जोन में आग का तांडव आप देखिए और आसमान में धुएं का काला गुबार किस तरीके से उठ रहा है। मौके पर बचाव दल वहां पर पहुंचा, मौके पर मंत्री हर्ष सांघवी पहुंचे और अस्पताल में लोगों की भीड़ को भी आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अब भी चल रहा है और जांच में एसआईटी जुटी हुई है। कौन जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है, इसको लेकर जांच की जाएगी। एसआईटी का गठन किया राज्य सरकार ने और अब 27 लोगों के शव अभी तक वहां से निकाले गए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। खबर यह आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां पर चल रहा है, हालांकि जो आग वहां पर धधक रही थी उस पर काबू पा लिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अग्निकांड को लेकर अपडेट है, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे सुबह 7 बजे घटना स्थल पर। यह बड़ी जानकारी, सुबह 7 बजे घटना स्थल पर सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचेंगे, इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है। राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में जो अग्निकांड हुआ, 27 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां पर पहुंचेंगे जहां पर यह घटना हुई है, जहां पर यह हादसा हुआ है। अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना के बाद से और एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रौनक, अब अभी सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी, 27 शवों को अभी तक निकाला जा चुका है ये बात सामने आ रही है और 7 बजे सीएम खुद वहां पर घटना स्थल पर पहुंचेंगे। दीपा, देर रात को गृह राज्य मंत्री भी पहुंचे और जो एसआईटी बनाई है उसके सदस्य भी पहुंचे। आपने जैसे कि बताया कि 27 जो शव वो बरामद किए गए, हालांकि क्योंकि सभी शव जो है वो जले हुए थे, ऐसे में सबके डीएनए रिपोर्ट अब टेस्ट करवाए जा रहे हैं क्योंकि जिनके परिजन थे उनके साथ डीएनए मैच किया जाएगा और उनके बाद उनको शव दिए जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री गांधीनगर से निकल चुके हैं, करीबन 7:15 के बीच में यहाँ पहुंचेंगे जहां पर यह हादसा हुआ है। जो स्ट्रक्चर था वो टेम्पररी स्ट्रक्चर कहा जाता है, लेकिन 2021 से एक पूरा शेड बना हुआ था, गेम जोन बना हुआ था और मुझे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से किसी भी कॉरपोरेशन या तो डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल प्रोसेस होती है परमिशन की, किसी भी किस्म की न तो यहाँ परमिशन थी न तो फायर सेफ्टी के प्रबंध थे और यही वजह रही कि आग लगी और आग फैल भी गई। बुझाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट थे नहीं और जितने भी लोग थे बाहर निकलने का किसी को मौका नहीं मिला और उनकी जान चली गई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रौनक पूरी जानकारी के लिए। फायर सेफ्टी का ख्याल वहां पर नहीं रखा गया था और भी बहुत सारी लापरवाही उजागर हो रही है। अब एक्शन की बात भी कही जा रही है, 27 जो लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी वो एक्शन की लगातार मांग कर रहे हैं और 7 बजे भूपेंद्र पटेल मौके पर पहुंचेंगे ये जानकारी भी सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बड़ी खबर दिल्ली से है, दिल्ली के विवेक बिहार में चाइल्ड हॉस्पिटल में भीषण आग लगी, दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची है, अब तक 11 नवजात बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू वहां पर पा लिया गया। चाइल्ड हॉस्पिटल में भयंकर आग की लपटें हैं और ये उसी वक्त की तस्वीर है, देखिए आप। कड़ी मशक्कत के बाद कहा ये जा रहा है कि आग पर तो काबू पा लिया गया, आग को बुझा लिया गया, अब तक 11 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है, 9 गाड़ियां दमकल विभाग की वहां पर पहुंची हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाइल्ड हॉस्पिटल जहां पर आग लगी और आग को बुझाने की कोशिश वहां पर किस तरीके से की जा रही है पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर नवजात बच्चों का रेस्क्यू जब किया गया, उनको सुरक्षित निकाला गया, 11 बच्चों को बचा लिया गया वो तस्वीर भी देख रहे हैं और आग पर काबू पा लिया गया है अभी जानकारी ये है। लेकिन आग लगने की वजह क्या रही, वरुण जैन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। वरुण, सबसे पहले अपडेट दीजिएगा और ये बताइए कि कैसे ये आग यहाँ पर लगी और जो बच्चे अंदर थे सभी को रेस्क्यू कर लिया गया, सुरक्षित वो हैं सारे? देखिए, बिल्कुल देर रात को करीब 12:15 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस
कॉल की गई थी जिसमें बताया गया था कि जो विवेक विहार इलाका है वहाँ पे बेबी केयर सेंटर है उसके अंदर आग लगी है और कई जो न्यू बॉर्न बेबी है वो इस बेबी सेंटर के अंदर है, जिसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और फायर डिपार्टमेंट के लोग वहां पर पहुंचे तो कई जो न्यू बॉर्न बेबी थे वो बेबी केयर सेंटर के अंदर थे, उनको तुरंत तो सीढ़ियां लगाकर और दूसरे लोगों की मदद से तुरंत रेस्क्यू किया गया। 11 जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको इस बेबी केयर सेंटर से रेस्क्यू किया गया और पास के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया है। किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई खबर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट दोनों की तरफ से नहीं है, तो एक कह सकते हैं बड़ा सफलतापूर्वक और बहुत ही सेंसिटिव एक जो ऑपरेशन था वो फायर डिपार्टमेंट ने चलाया और उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी है बेबी केयर सेंटर में उनको सुरक्षित बाहर निकाला। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण पूरी जानकारी के। अब आगे बढ़ते हैं, बात लोकसभा चुनाव की। 543 में से 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब बस बाकी है 57 सीटें, यानी सत्ता का सातवां द्वार तो आप जानते हैं, जिसमें चक्रव्यूह का सातवां द्वार जिसने भेद लिया वही बनता है विजेता, ये कहा जाता है। तो क्या इस चुनाव का विजेता कौन होगा, ये सातवां चरण तय करेगा? क्या 4 जून का रिजल्ट 1 जून की वोटिंग तय करेगी, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर 6 चरणों में ही किसी ने सरकार बना ली? इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। आठ राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। गर्मी के प्रचंड प्रहार के बावजूद वीवीआईपी सीटों पर मतदान का क्रेज बरकरार रहा और इसी के साथ 486 सीटों का सस्पेंस ईवीएम में कैद हो चुका है। अब नजर 1 जून पर है, क्योंकि 1 जून को सातवें फेज की वोटिंग है। तो क्या नई सरकार को इन्हीं 6 चरणों में बहुमत मिल चुका है? क्या नरेंद्र मोदी तेजी से हैट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के हिस्से करिश्माई प्रदर्शन आने वाला है? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे वोटर से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक सत्ता के सातवें द्वार की अहमियत जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 1 जून को लेकर पक्ष और विपक्ष ने कैसे सारी ताकत झोंक दी है। नरेंद्र मोदी मिशन बिहार में जुटे, पाटलिपुत्र काराकाट और बक्सर में रैली की, फिर पीएम यूपी के गाजीपुर पहुंचे। ये सीट बीजेपी के लिए टफ मानी जा रही है, क्योंकि यहां मुख्तार के भाई अफजाल से टक्कर है। तो वहीं अमित शाह ने हिमाचल में मोर्चा संभाला, हमीरपुर और कांगड़ा में शाह ने पब्लिक रैली की, राहुल गांधी के टारगेट पर रहा पंजाब में आखिरी फेज में 13 की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। राहुल ने अमृतसर में पब्लिक मीटिंग करके मिशन पंजाब की शुरुआत की, तो वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन का चेहरा बनकर अखिलेश ने देवरिया और गोरखपुर में रैली की। यानी जब छठे चरण में जनता वोट दे रही थी, तब सातवें और अंतिम चरण के लिए हर पार्टी जी जान से चुनाव प्रचार में लगी रही। कहते हैं पब्लिक सब जानती है, सवाल है कि ये चुनाव आखिर किस ओर जा रहा है, पब्लिक के मन में क्या है, और दशकों तक राजनीति की करवट देखने वाले विश्लेषक इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? तो तय बात है कि इंडिया गठबंधन को जो आस होगी वो अपने कर्मों से ज्यादा, अपनी लड़ाइयों से ज्यादा मोदी सरकार की विफलताओं की आस होगी। लेकिन सवाल यह है कि विफलताएं होंगी तो उसका कोई एक करंट होगा, एक कोई हालात होंगे, तो आज की दिशा में, आज की तारीख में कोई हालात नहीं दिख रहे हैं। आज एक वैक्यूम जरूर कभी कभी दिखता है, लेकिन कोई ऐसा हालात नहीं दिखते हैं जिससे कि ये लगे कि इंडिया गठबंधन बहुत उभार पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से 4 मुद्दे उछाले गए। पहला संविधान बदल दिया जाएगा, दूसरा आरक्षण, तीसरा महंगाई और चौथा बेरोजगारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा के विपक्ष के आरक्षण के मुद्दे को कुंद कर दिया गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना प्रभावी तरीके से चल रहा है कि उसके आगे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गौण हो गया है। तो
जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, सत्ता विरोधी लहर 2014 में दिखाई दिया था, 2019 और 2024 के चुनाव में मोदी विरोधी लहर इस देश में दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर है। लोकतंत्र का ये महापर्व चक्रव्यूह से कम नहीं है और चक्रव्यूह वही भेद पाया है जिसने सातवां द्वार डहाया है। सबको इस सातवें द्वार की कीमत का पता है, इसीलिए सातवें चरण की वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष से बयानों की बौछार भी बहुत तेज हो गई है। बिहार में बीजेपी और आरजेडी में रार का ये लेटेस्ट ट्रेलर देखिए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहां पड़े हैं चक्कर में? नहीं है कोई तेजस्वी यादव जी के टक्कर में। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होगा तो फिर जब आपकी सत्ता से विदाई होगी तो फिर आपको चक्कर लगेगा। इसलिए जेल का चक्कर का धमकी दे करके आप जनता के दिलों पर जो तेजस्वी यादव जी राज करते हैं उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। आप पूरी तरह से चुनाव हार चुके हैं, सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया, अब आप ये सब चक्कर में मत पड़िए। यानी दोनों ओर से आक्रामक बैटिंग हो रही है, गेम ऑन है। मैदान में मौजूद टीमों को यही लग रहा है कि बाजी वही जीतेंगे। दर्शक अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इस हाई वोल्टेज मुकाबले के रिजल्ट पर डिबेट कर रहे हैं। सस्पेंस भी गजब का है। बहुत से राजनीतिक धुरंधरों के लिए ये चुनाव करो या मरो का सवाल है। लेकिन राहुल गांधी दूसरों के कंधों पर रह करके कितना आगे बढ़ जाएंगे ये सवाल है। उनको खुद को क्या मिल रहा है, दक्षिण में उनको कितना मिल रहा है, जो संभावना है जितना थोड़ा मोटा मिलता था पहले वाले दक्षिण के राज्यों में वो अलग है, लेकिन एक उम्मीद की किरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र में बहुत कम है, ना के बराबर है, तेलंगाना में थोड़ी बहुत है, बाकी कर्नाटक है उनके पास में थोड़ा सा, अगर उम्मीद की किरणों वाला देश राज्य है। बाकी सब जगह तो जब हम पुराने आंकड़े गिनाने लगेंगे कि 280 से जब सीटों पे आमने सामने लड़ाई होती है तो कितनी सीटें बचती हैं, 90% सीटों पर हारते हैं, रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और ममता बनर्जी जी क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अब आप इनको इंडिया गठबंधन के जो सीट समीकरण है उसमें देखिए तो पहला तो ममता बनर्जी जी इंडिया ब्लॉक से बाहर चली गई, क्योंकि वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ही स्पेस नहीं देना चाहती थी। और देखिए 1 जून को सातवें और आखिरी फेज के लिए वोटिंग होनी है, किसकी हार किसकी जीत 4 जून को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्रेक के बाद गुजरात के राजकोट से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है। शवों की पहचान के लिए 28 लोगों के डीएनए सैंपल गांधीनगर भेजे गए हैं। सैंपल के जरिए शवों की पहचान की जाएगी और पहचान के बाद परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी राजकोट से इस वक्त है। 28 लोगों के डीएनए सैंपल गांधीनगर भेजे गए हैं और सैंपल्स के जरिए शवों की पहचान की जाएगी और उसके बाद अगर पहचान हो जाएगी तो परिजनों को शव सौंप दिए जाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर शाहजहांपुर में बस और डंपर की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद डंपर बस पर पलट गया और इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग बताए जा रहे हैं जो इस वक्त घायल हैं। 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुटार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी, जो कि जिसमें कि पूर्णागिरी के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। कुछ लोग ढाबे पर खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे, तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया और इसमें
तुरंत से जब सूचना मिली थी तो हमारे डीएम साहब और हम और साथ ही सभी अन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो कैजुअल्टीज थी, कुछ कैजुअल्टीज हुई जो अभी तक टोटल कैजुअल्टीज जो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहाँपुर जिला अस्पताल में भेजा गया। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शाम 6:06 तक रहेगी, फिर चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 26 मई 2024 रविवार का दिन है। आज मूल नक्षत्र साध्य योग एवं वणिज करण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन धनु राशि से रहेगा। आज राहुकाल 4:30 से 6:00 तक रहेगा। आज यम घंटक योग दिन में 12:00 से 1:30 तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहुकाल तथा यम घंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। शुभ कार्य को करने के लिए आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:38 से 12:24 तक रहेगा। आज लाभ की चौगड़िया मुहूर्त प्रातः 8:53 से प्रातः 10:34 तक रहेगी। आज शुभ कार्य को करने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:48 से सारे दिन रहेगा। आज उत्तर तथा पूर्व दिशा में कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से यात्रा करना शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जाँच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए प्रातः 9:00 से प्रातः 11:16 तक, फिर शाम को 4:00 से शाम को 6:10 तक लेना शुभ रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए शुभ समय प्रातः 9:37 से प्रातः 11:15 तक रहेगा। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ प्रभाव को लेकर आ रहा है। आज आपकी सेहत शानदार रहेगी। आज सारे दिन भाग्य का साथ मिलेगा। आज समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से आपके संबंध बनेंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेना कारगर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान से भ्रमण नई आर्थिक ग्रोथ को ला रहा है। विद्यार्थी किसी शॉर्ट टर्म कोर्स को करने के लिए विदेश जा सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। राशि से चंद्रमा के अष्टम भाव से भ्रमण होने से आज मन अशांत व परेशान रह सकता है। पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक मामलों में लगातार असफलताओं के कारण आप किसी योग विद्वान या गुरुजी की शरण में जा सकते हैं। घटी हुई शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का कोर्स करना आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर पलों को ला रहा है। आज आपकी सेहत तरोताजा रहेगी। लंबे समय बाद साझेदारी में किए जाने वाले बिजनेस में सफलता मिलने की संभावना है। भूमि, प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी में फंसा हुआ धन प्रॉफिट के साथ मिलने की संभावना है। बेरोजगार युवक युवतियों को टूर, ट्रेवल्स, कंसल्टेंसी, वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक जाने वाला है। आज आपकी शारीरिक सेहत ठीक रहेगी, लेकिन मनोस्थिति थोड़ा कमजोर हो सकती है। नौकरी में ट्रांसफर की संभावना का योग अभी नहीं है। कार्यक्षेत्र में छोटे काम के लिए भी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। कुछ ही समय से डेवलप हुई दोस्ती में आपको आँखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ से कुछ रिश्तेदार जेलस फील कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत शानदार जाने वाला है। आज आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। आपसी संबंध दोबारा पटरी पर आने से मन में हर्ष व उत्साह रहेगा। लवमेट को अपने पारिवारिक सदस्यों से मिलवाने का उचित समय है। किसी को प्रपोज करने का आज उपयुक्त समय है। लवमेट को अपना दृष्टिकोण समझाने में आप आज सफल रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से बेहतर पलों को ला रहा है। आज आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा।
चित्त में शांति रहेगी, आपकी सोच में चला आ रहा कन्फ्यूज़न आज दूर होगा। आज बिजनेस से संबंधित कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। मदर इन लॉ के साथ संबंधों में चली आ रही तलखी समाप्त होने की संभावना है। किसी रिश्तेदार के घर धार्मिक उत्सव में भाग लेने की संभावना है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन औसत जाने वाला है। राशि से चंद्रमा का तीसरे घर से भ्रमण आपके स्वभाव में साहस व उग्रता को ला सकता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सूर्योदय से पहले उठना अच्छा रहेगा। आज बिजनेस से संबंधित पूर्व दिशा में किया जाने वाला टूर सफल हो सकता है। किसी नए बने दोस्त से अपने इमोशन को शेयर करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, सोच में स्थिरता व दृढ़ता रहेगी। मंगल ग्रह की ऊर्जा के कारण विपरीत परिस्थिति में भी आप शांत व स्ट्रांग बने रहेंगे। परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालने से आप सामाजिक रिश्तों में आई असफलता से बाहर निकल सकते हैं। बड़ी बहन के साथ हुए मतभेद दूर हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियां ला रहा है। आज आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पुराने अनुभवों से सीखकर जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने में सफलता दिलाएगा। कुछ पारिवारिक संबंधों को जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहने दें। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। अपने मैक्सिमम समय को स्वास्थ्य को बेहतर करने व काम पर फोकस करने में लगाएं। विरोधियों की आलोचना से आप ज़्यादा मजबूत होंगे। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतरीन जाने वाला है। राशि से चंद्रमा के 12वें भाव से भ्रमण के कारण आपको नई सफलता तथा उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। आज आपके विरोधी भी आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा करेंगे। आज किसी फैक्ट्री में उपकरणों को इंस्टॉल करने का कार्य आपके नेतृत्व में सफलतापूर्वक होने की संभावना है। आज किसी गरीब को नीले वस्त्रों का दान करें। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई ऊर्जा व प्रसन्नता को ला रहा है। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा विचारों में निरंतरता बनी रहेगी। राशि से चंद्रमा के 11वें भाव से भ्रमण के कारण आज धन आगमन के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। आज कुछ समय घर के बच्चों के साथ बिताने की संभावना है। आज बड़े भाई से पूरा सहयोग मिलेगा। लवमेट के दिमाग में रिश्तों को लेकर क्या चल रहा है इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा व ऊर्जा को लेकर आ रहा है। आज आपका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा तथा कार्य के प्रति सोच सकारात्मक रहेगी। आपकी बॉडी में आपका माइंड एक दूसरे को रेसिप्रोक्रेट करेंगे। आज आपके ज्ञान से प्रभावित होकर सीनियर द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।